बहुत वक्त के पास और वक्त के साथ किया है एक और गोल। वन मोर टाइम स्वागत है आपका सिमोन फुटबॉल यूट्यूब चैनल में और आज हम आपको दिखाएंगे पिल्चू हराम पिल्चू बुढ़ी फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का इस संस्करण का पहला सेमीफाइनल मैच बीएसके कॉलेज बरहरवा वर्सेस बारामेसिया यूनाइटेड क्लब के बीच में। दोनों टीम्स तैयार इस वक्त और सिर्फ इंतजार है यहाँ पर मैच रेफरी मानस रॉय की किकअप फैसल का और दोनों टीम्स के लिए ये बहुत बड़ा मैच। यहाँ पर हर दृष्टि से देखा जाए, टूर्नामेंट के दृष्टि से, प्राज मनी के दृष्टि से और इस संस्करण का, आपको बता दें ये वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट में से एक और इस सीजन का जो फर्स्ट प्राज मनी है 4,50,000 रुपये का कैश और सेकेंड प्राज मनी 3,50,000 रुपये का कैश। और की कविसल बच चुकी है मानस रॉय की। तो बात करेंगे यहाँ पर दोनों टीम्स के स्टार्टिंग एलेवेंस का बीएसके कॉलेज बारहरवा के ओर से जो उसके प्लेइंग एलेवन है। परिमल सोरेन गोलकीपर, सुखलाल मुर्मू जर्सी नंबर 2 में खेलते हुए नजर आएंगे, अब्दुल ये फॉरेनर्स हैं जर्सी नंबर 5 में, पटवारी सोरेन जर्सी नंबर 4 में, बबलू सोरेन 13 में, अजय हंसदा जर्सी नंबर 6 में, ब्रॉन टूटू 3 में, जॉनसन ये भी विदेशी मुल्क के खिलाड़ी हैं जर्सी नंबर 10 में खेलते हुए नजर आएंगे, लाइसन टूटू टीम के कैप्टन जर्सी नंबर 9 में, श्रीकांत सोरेन जर्सी नंबर 12 में, अजय हेम्ब्रम जर्सी नंबर 14 में, सब सिटीट्यूट बेंच में नाइकी मरांडी जर्सी नंबर 15, प्रधान सोरेन जर्सी नंबर 7, उमेश सोरेन जर्सी नंबर 11, सुनील टूटू, समीर बेसरा। बारामेसिया यूनाइटेड क्लब की ओर से स्टार्टिंग 11 है, सुखिन लखिंदो टूडू जर्सी नंबर 0, बिहारी सोरेन जर्सी नंबर 4, बाटा हंसदा जर्सी नंबर 8, रामदास हेमरम जर्सी नंबर 12, अजय टूडू जर्सी नंबर 11, महेश हेमरम जर्सी नंबर 15, सपन हेमरम जर्सी नंबर 13, मिस्त्री हेमरम जर्सी नंबर 10, बाबूरा मुर्मू जर्सी नंबर 14, यूसुफ जर्सी नंबर 7 और सिल्वा जर्सी नंबर 5। यूसुफ और सिल्वा 7 और 5 में जिन खिलाड़ियों को आप देख पाएंगे बारामेसिया यूनाइटेड क्लब के और से ये दोनों फॉरेनर्स हैं और सब सिटीट्यूट बेंच में राजा हेमरम जर्सी नंबर 6, कट्टी हंसदा जर्सी नंबर 16, बिश्नो रॉय जर्सी नंबर 18, अल्फ्रेड किश्कु जर्सी नंबर 1 और विटामिन मुर्मू जर्सी नंबर 17। बहुत ही जबरदस्त रहेगा आज का ये मैच, हाई वोल्टेज का मैच। यहाँ पर ऑल रेड में बीएसके कॉलेज बरहरवा और ऑल व्हाइट में बारामेसिया यूनाइटेड क्लब। मैच अभी भी शुरू हुआ ही है, ज्यादा वक्त हुआ नहीं है और हम बात कर रहे थे इन दोनों टीमों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण मैच, इसलिए क्योंकि यहाँ से एक पायदान नीचे फाइनल से क्वालिफाई कौन सी टीम करेगी, यहाँ पर अभी से भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत होगा। थ्रोइन लेने के मौका मिला है यहाँ पर और यहाँ से आक्रमण करने का एक अच्छा अवसर बनता हुआ इस वक्त बारामेसिया यूनाइटेड क्लब। दर्शकों का हुजूम अभी से आप देख सकते हैं और कितना इंटरेस्टेड वो अपने जगह में बने हुए हैं। क्रॉस यहाँ पर, देखिए क्या अटैकिंग यहाँ पर कर पाएगी बारामेसिया यूनाइटेड क्लब, जो खतरा बना था बीएसके कॉलेज के लिए ये खतरा आसानी से टलता हुआ। शुरुआती क्षण एक दूसरे का मजबूती और कमजोरी को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा दोनों टीम्स को। अच्छा अटैकिंग फुटबॉल मैं देखने को मिलेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो पता चल जाएगा किसकी क्या कमजोरी है, किसका क्या, किस टीम का कितना मजबूती है। एक कॉमन सी पर दिखाई दे रहा है दोनों टीम्स में, दोनों दो दो फॉरेनर्स खेल रहे हैं
इखाने गोल रखो। आज है आखिरी दिन यानी कि अंतिम दिन। तो ये मैच किसका होगा, किसके नाम, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। शुरुआती क्षण है, पीछे जमने के लिए दोनों टीम के प्लेयर्स वक्त ले रहे हैं। पूरे 45-45 का ये मैच, 90 मिनट्स का ये मैच है। बहुत ज्यादा समय है, मौका यहाँ पर बनता हुआ बीएसके कॉलेज की ओर से चांस था, लेकिन लखिंदो टूडू के लिए एक आसान सा कलेक्शन बनता हुआ और कोई खतरा नहीं। क्लियरेंस लखिंदो टूडू का, अग्रिम पंक्ति तक नहीं। यहाँ फिर से बीएसके कॉलेज के ओर से जॉनसन अंदर बॉल को लेने का प्रयास किया था, लेकिन सही रिसीविंग नहीं। उससे पहले यहाँ फाउल की बजी है, सल एक फ्री किक मिलता हुआ अजय हंसदा के लिए यहाँ पर चैलेंज आता हुआ। बॉल शुरुआत अच्छी करी है दोनों टीम्स ने और ये फ्री किक जाता हुआ बीएसके कॉलेज बरहरवा के पक्ष में। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार अब्दुल, ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी है। और आप देखते ही हैं हमारे डोमेस्टिक फुटबॉल में भी जिस तरह से अफ्रीका महादेश से आए हैं ये विदेशी मुल्क के खिलाड़ी, अपना जो कैरियर है वो बना रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग है इसका डोमेस्टिक फुटबॉल खेल के। अब्दुल का ये शॉट, वन बाउंस, गोल लाइन से बाहर, जो खतरा होने का संभावना था, वो खतरा टलता हुआ मार्मेशिया यूनाइटेड क्लब के लिए। स्कोर लाइन 0-0 की बराबरी पर, अभी शुरुआती क्षण है, ज्यादा नहीं, महज 5.5 मिनट का ये मैच हुआ ही है, तो वक्त है काफी वक्त दोनों के पास। पर एक दूसरे का स्ट्रेंथ और वीकनेस को रीड करने का अभी बहुत ज्यादा समय, एक फ्री किक लेने का यहाँ पर मौका मिलता हुआ और स्ट्राइक लेने के तैयार रामदास हेमरम। रामदास का ये शॉट ऑफसाइड के ट्रिक में टपकाया था और ये शॉट इस बार लेकिन बहुत ही अच्छा मार्क किया गया वहां पर, चांस था यहाँ पर गोल इसको करने का बारमेसिया यूनाइटेड क्लब के पास, ये चांस बेकार जाता हुआ, इस मौके को भुला नहीं पाए। कितना देर के बाद पहला गोल यहाँ पर देखने को मिलता है इस मुकाबले का, जिस तरह से जितना ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पर बेसब्र हो रहे हैं इस मुकाबले का पहला गोल को देखने के लिए, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि दोनों टीम्स के प्रबंधक यहाँ पर बेसब्र हो रहे हैं अपने टीम की ओर से गोल को देखने का, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरी टीम की तरफ से ये पहला गोल आए इस मुकाबले में। नो मैन एरिया में बॉल लैंडिंग और ये हेडर था जॉनसन का और अजय हंसला का ये शॉट सेकंड पोस्ट के टॉप कॉर्नर की तरफ, लेकिन टारगेट में नहीं रख पाए अजय हंसला। ये पहला गोल मारने का सुनहरा अवसर बीएसके कॉलेज बरहरवा टीम के हाथ से निकलता हुआ। तो पहला गोल की बात कर रहे थे और आप देख सकते हैं यहाँ का डेकोरेशन कितना जबरदस्त हुआ है, जो अतिथियों के लिए मंच बनाया गया है, जो वीआईपी पर्सन वहाँ पर बैठेंगे और इस टूर्नामेंट का मैच को वहाँ से देखेंगे, उसके लिए ये व्यवस्था किया है। इतना बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन बहुत ही शानदार और इसके आयोजक सिद्धो कानू वोहरगांवता समिति कोलकाता वेस्ट बंगाल बीरभूम जिला का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट में से एक। दोनों तरफ देख सकते हैं, दोनों कॉर्नर में यहाँ पर लगाया गया दो स्क्रीन जिसमें आप रिप्ले देख सकते हैं किस तरह से गोल होता है। यहाँ क्रॉस करने का मौका और इस तरह से क्रॉस बहुत अच्छा आया था रामदास का और हैंड में जाके लगी है बॉल, डिफेंस लाइन के खिलाड़ी के हैंड में जाके लगी है बॉल और एक सुनहरा अवसर मिलता है यहाँ पर बारोमेसिया यूनाइटेड क्लब को, एक सुनहरा अवसर, पेनल्टी मिल गया है खेल के दरमियान में।
और पेनल्टी को अगर पूरा गोल में यहाँ पर तब्दील करते हैं, बॉल के ठीक करीब यहाँ पर व्यवस्थित करते हुए टीम के कैप्टन यूसुफ के नेतृत्व में बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब टीम प्रबंधक ने उनको कप्तान नियुक्त किया है इस श्रृंखला में, तो बहुत ही सुनहरा अवसर मिल गया है। और इसको अगर गोल में बदल देते हैं तो 1-0 से लीड मिलेगी इस मुकाबले में बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब को। सबसे बड़ी सतर्कता वहां पर आपको करना होता है टी बॉक्स के अंदर में, पेनल्टी एरिया और गोल एरिया के अंदर में। किसी प्रकार का कोई गलती हो, फाउल या फिर हैंडबॉल हो जाता है तो सीधा आपके ओपोनेंट टीम को पेनल्टी मिलता है, वही पेनल्टी यहाँ पर मिल गया है बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब को। दारमदार रहेगा इस शॉट को सेव करने का परिमल सोरेन के कंधों के ऊपर, अगर इससे बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, अपने ओपोनेंट को और कुछ हद तक रोक के रखेंगे। तैयार यूसुफ यहाँ पर स्ट्राइक लेने के लिए, शॉट यहाँ पर रीड नहीं कर पाए परिमल सोरेन और 1-0 की लीड। बहुत ही शानदार गोल यूसुफ का और ज्यादा देरी नहीं लगी यहाँ पर बढ़त बनाने में बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब। यहाँ पर बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब क्योंकि 1-0 का यहाँ पर लीड मिल गया है। गलती यहाँ पर डिफेंडरों के द्वारा और उसका भरपूर लाभ मिलता हुआ बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब को। फिर से ले जाएगी किक ऑफ और उसके बाद देखना होगा कितना देर के बाद इस कर्ज को उतर पाती है बी एस के कॉलेज बरहरवा। ज्यादा नहीं है ये बढ़त क्योंकि और समय इतना ज्यादा है इस मुकाबले में, यानी शॉर्ट फॉर्मेट में आप कहें तो 20 और 25 का जब मैच खेला जाता है तो बहुत कम, लेकिन यहाँ पूरे पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जितना टाइम दिया जाता है उतना ही टाइम का ये मैच खेला जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको स्टेमिना और पिच में बने रहना होता है और पूरी जो अपना संचित ऊर्जा है वो लगातार आपको बनाकर आज कर यहाँ पर। और एक बार मूव बनता हुआ बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब की ओर से यूसुफ, लेकिन इस बार बहुत अच्छा क्लियरेंस निकाला वहाँ पर अब्दुल ने, लेकिन रिकवरी फिर से एक बार अच्छा रिकवरी किया है। पोजीशन एक बार आता हुआ बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब के लिए, लेकिन फिर से एक बार अच्छा क्लियरेंस। जॉनसन यहाँ पर बॉल के लिए यूज रहे थे, वो आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, रॉन्ग टैकल और एक सेट पिच मिलता हुआ बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब को, रॉन्ग टैकल। लेकिन टीम के कैप्टन लाइसन को बोल रहे हैं कि ये कूद मेरे पांव में आके टकरा करके अपना बैलेंस को गवाया है, ये नहीं है यहाँ पर फाउल मैन सर, ये मेरा फाउल नहीं है, मैंने फाउल नहीं किया, यही सोच रहे होंगे, बात करते होंगे लाइसन को। मैच रेफरी मानस रॉय से एक खिलाड़ी चुप्पी ले इस वक्त बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब का, और फाउल जिससे पिच से दूसरा गोल करने का एक अच्छा अवसर यहाँ पर बन गया है। अगर इस अवसर को इस बार भी भुला लेते हैं और अच्छे स्ट्राइकर यहाँ पर लगाया जाता है, टीम के कैप्टन ही खुद यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे या फिर दूसरे खिलाड़ी को यहाँ पर भेजेंगे इस शॉट के लिए। अच्छा कप्तानी करते हैं हमारे भारतीय के साथ साथ ये विदेशी मुल्क के खिलाड़ी आते हैं बॉल के करीब में यहाँ पर रामदास खड़े हैं और टीम के कैप्टन यूसुफ खड़े हैं, तो लग रहा है कि ये दोनों में से कोई एक लेंगे स्ट्राइक। ज्यादा पर जिस तरह से दिखाया गया है पांच खिलाड़ियों का बॉल बनाया गया है, यूसुफ लेफ्ट फुटेड लेकिन टारगेट में नहीं रख पाए, पोस्ट के टॉप में यहां पर डालने का प्रयास था यूसुफ का, एक गोल से ही संतुष्ट रहना होगा और कुछ देर तक बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब को। अच्छा अटैकिंग फुटबॉल चलता हुआ, ज्यादा समय हुआ नहीं, मात्र 13 मिनट का ये मैच अभी तक हुआ है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रधान सोरेन गए हैं पिच में,
बोरोन टूटू के बदले, और ये सब्स्टिट्यूशन होना बेहद जरूरी है। मुझे तो लगता है तीन खिलाड़ियों को इतना जल्दी यहाँ पर बदल सकते हैं बीएसके को लेकर हवा, क्योंकि ये फॉर्मेट ज्यादा है 45-45 का है, तो जिस खिलाड़ी से आप कब उम्मीद कर रहे हैं और जिसको आप देख पा रहे हैं कि वो ज्यादा देर तक बीच में नहीं टिकने वाले हैं, तो जितना जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। इतना बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के लिए क्या कहना चाहेंगे? অবশ্যই বলতে হয় এখানে অর্গানাইজারদের কথা, শুধু অর্গানাইজার বললেই হবে না, এই এরিয়ার মানুষ তারা কিন্তু এই টুর্নামেন্টকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ঠিক কি আবার কাফি পিছে সে আর ये लंबा हवाई बॉल ऑफसाइड के ट्रैक में यहां पर टपका गया था, लेकिन फाउल यूं ही वहां पर हो गया अपने हाथ से। ठीक यहां पर लेते हुए अब्दुल डिफेंस लाइन का कमान को संभाल रहे हैं, और जिस तरह से एक शून्य एक से पीछे बीएसके कॉलेज दरहरवा, तो बेहतर तरीके से यहाँ पर अब्दुल को डिफेंस लाइन का मोर्चा को संभालना होगा। सेंटर डिफेंडर के पोजीशन से यहाँ पर खेलते हुए अब्दुल बतौर डिफेंडर पहले गोल यहाँ पर तलाश रहे हैं बीएसके कॉलेज, पहले गोल को यहाँ पर मारने के लिए जीतते हुए प्रधान का अच्छा पास वहां पर, लेकिन पासिंग एक्यूरेसी बिल्कुल सही नहीं, इसके ओपोनेंट को यहां पर बॉल मिलता हुआ। और जो यहां का पीच है वो इतना अच्छा है यहां के ऑर्गेनाइजर सिर्फ टूर्नामेंट के लिए ही पीच को वो बना करके रखते हैं, यानी ये ग्राउंड में किसी प्रकार का प्रैक्टिस मैच नहीं खेला जाता है, ना ही फिर ढोलकट्टा के कोई खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। पर जितना ग्रास इतना बेहतर लगता है देखने में, पूरी तरह से हरियाली पूरे फील्ड में, बहुत सारे ऐसे आपको संथाल पर जाना या फिर बीरभूम या फिर पश्चिम बंगाल का ऐसे कई कई ग्राउंड को हमने देखा है जिसमें कि ग्रास वाले ग्राउंड बहुत कम मिलते हैं, और बड़ा से बड़ा टूर्नामेंट में आप देखेंगे तो ये जहाँ का कुछ अलग ही प्रदेश करता हुआ। चार ऐसे डाइस लगाए गए हैं जिसमें कि चारों कैमरा से इस मैच का कवरेज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में स्क्रीन लगी है, और वहाँ आप मैच को देख सकते हैं, रिप्ले देख सकते हैं, किस तरह से गोल हुआ था, किस तरह से फाउल हुआ था, इस चीज़ को देख सकते हैं। रामदास यहाँ पर थ्रो इन के लिए, रामदास के लिए रिटर्निंग पास, और एक अवसर यहां पर दिख रहा है, लेकिन ये अवसर कितना हद तक रहेगा वहां पर, लेकिन ये अवसर बेकार जाता हुआ। फ्रीकिक यहां पर ली जा रही है, समय अभी ज्यादा हुआ नहीं इस मुकाबले में, बहुत ज्यादा समय बाकी है। यहाँ पर और इस बार यहाँ चांस बनता हुआ दूसरे गोल करने का, लेकिन स्लाइडिंग टैकल, फिर से रिकवरी बहुत ही अच्छा, हेडर लेने का प्रयास, लेकिन वन बाउंस परिमल सोरेन के ग्लव्स में, गोल होने का संभावना को निरस्त करने में इस बार सफल रहे। धीरे धीरे सही यहाँ पर आक्रमण और गोल को तलाशते हुए बीएसके कॉलेज बारहरवा, और जब जब भी पेनल्टी एरिया अपने ओपोनेंट के टीम के पास जब भी गई है बीएसके कॉलेज टीम, वहां से कोई करारा प्रहार नहीं कर पाए, उस तरह का पावरफुल शॉट अभी तक नहीं लगा पाए हैं उसके स्ट्राइकर, और एक तरह से देखें तो ऑन टारगेट शॉट उस तरह का पावरफुल शॉट रहेगा तभी यहां पर गोल होने का संभावना, नहीं तो आप जानते ही हैं कि लॉन्ग रेंज से किसी प्रकार का भी शॉट लगाएंगे तो गोलकीपर के पास बहुत ज्यादा समय रहता है, और हर टीम्स में आप मंझे हुए गोलकीपर को ही पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। लेकिन वो टुडू अभी तक बहुत अच्छा गोल कीपिंग किया है इन्होंने, बिल्कुल बने रही आज के दिन, वो एक वक्त आएगा जहां पर खेली जाएगी मेगा फिनाले, उससे पहले दो सेमीफाइनल मुकाबला बीएसके कॉलेज के पास, बॉल पोजीशन महिला फुटबॉल की भी दो सेमीफाइनल मुकाबला बाकी है,
आसान सा कलेक्शन बनता हुआ लखिंदर टुडू के लिए। क्लियरेंस आगा लखिंदर टुडू का, अग्रिम पंक्ति को एक बार में ही भूखे निकालने का प्रयास रहेगा उनका। इंतजार बीएसके कॉलेज के फैंस को, पहली गोल का और ये शॉट इस बार चांस था यहाँ पर, बहुत अच्छा चांस, लेकिन इस मौके को भुना नहीं पाए वहाँ पर श्रीकांत सोरेन। एक अच्छा मौका था यहाँ पर गोल मारने का श्रीकांत के पास, लेकिन नहीं मार पाए, अपना संतुलन को नहीं सही में नहीं रख पाए। और एक संतुलित शॉट अगर यहाँ से लगाते तो एक एक की बराबरी दिला सकते थे श्रीकांत अपने टीम को। कॉर्नर किक लेने का मौका मिला है, ये भी सुनहरा अवसर कम बैक करने का, लेकिन जो कॉर्नर किक यहाँ पर लिया गया था वो प्ले के बाहर में बॉल जा के लैंडिंग हुई है, तो कोई भी खतरा नहीं यहाँ पर। अच्छा अटैकिंग फुटबॉल, वेरिएशन को अच्छा जल्दी बहुत ही अच्छा यहाँ पर चेंज किया था बीएसके कॉलेज ने। अच्छा पास निकलता हुआ यहाँ पर बारो मेसिया यूनाइटेड क्लब के लिए, बहुत ही अच्छा ड्रिबलिंग, क्लोज रेंज में जाएंगे और चांस है यहाँ पर, लेकिन इस बार अच्छा कीपिंग परिमल सोरेन के द्वारा, और चाहिए भी इसको आने वाले वक्त के लिए और बेहतर कीपिंग। अजय हंसदा का लेफ्ट फुटेड शॉट अग्रिम पंक्ति को असिस्ट करने के लिए, लेकिन ज़्यादा देर तक पोजिशन बरकरार नहीं है, इतना ज़्यादा समय है तो होल्ड करके और ज़्यादा अपने पास बॉल को रख करके कॉन्फिडेंस लेवल को और बेहतर कर सकते हैं बीएसके कॉलेज बरहवा टीम के प्लेयर्स, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं मुझे लगता है वो जल्दबाजी कर जाते हैं। पेशेंस के साथ मुझे लगता है उनको खेलने की आवश्यकता है, और जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसके ऊपर में, इस प्रेशर को पर अपने ऊपर से हटाने के लिए एक गोल मारना बहुत ज़रूरी हो गया है। कल जो मैच खेला गया था वहाँ पर बीएसके कॉलेज की टीम ने, जिसने भी टीम के साथ उन्होंने मैच का सामना किया था, तो उनके फैंस काफ़ी खुश नज़र, एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, लेकिन आज निराश है उनके फैंस। अच्छा तालमेल, बहुत अच्छा तालमेल यहाँ पर बारो मेसिया यूनाइटेड टीम के खिलाड़ियों के बीच में, अपने टीम मैनेजमेंट को पूरी तरह से खुश करके रखे हुए हैं उनके टीम के प्लेयर्स। इतना ज़्यादा अच्छा खेल दिखाया अभी तक उन्होंने, बिल्कुल एक गोल ही सही, लेकिन बढ़त कायम अभी भी, और देखना इस बढ़त को कितना देर तक वो बरकरार रख पाते हैं। अपने पास डिफेंसिव हेडर, डिफेंस लाइन के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने डिफेंसिव ड्यूटी बहुत अच्छा किया है बारह में से यूनाइटेड के लगे, और से ये एक खासियत है कि अभी तक एक भी गोल मारने नहीं दिया है बीएसके कॉलेज के टीम के अग्रिम पंक्तियों को। और अग्रिम पंक्ति का जितना देर के बाद यहाँ पर गोल आता है अजय हंसदा, अच्छा स्ट्रगल करते हुए, लेकिन प्रधान सोरेन ये सब सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, बाद में आए हैं पिच में, तो इसके पास जो बाकी जिसके बदले में आए हैं बाकी खिलाड़ियों से, इसके पास ज़्यादा ही संचित ऊर्जा, और वो ऊर्जा को लगाना होगा प्रधान सोरेन को, तभी यहाँ पर बराबरी कर पाएगी बीएसके कॉलेज बरहरवा। बेहतर खेलते हैं और बीएसके कॉलेज बरहरवा टीम को आप बखूबी जानते हैं, ये तो मास्टर है शॉर्ट फॉर्मेट, 20, 25 और 30 30 मिनट्स का जो खेल होता है इसके, तो ये मास्टर है। लेकिन यहाँ पर उनके लिए मुझे लगता है जो स्टेमिना है ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा देर तक ग्राउंड में खेलने की आवश्यकता उनको, और इतना आसानी से गोल मिलने वाला नहीं होता, जो गलती हुआ उसी से यहाँ पर गोल हुआ बीएसके के ऊपर में, पेनल्टी एरिया के अंदर में हैंडबॉल, और उसी हैंडबॉल जो गलती है उसी का खामियाजा अभी तक भुगत रही है पूरी टीम। एक गोल ज़्यादा नहीं होगा मुझे लगता है बारह में सिया यूनाइटेड क्लब के लिए, और उसको भी चाहिए और एक गोल,
तभी यहाँ पर पकड़ को और बना पाएगी। लेकिन जैसा भी फाइनल सफर को बढ़ा रही है धीरे धीरे, मतलब यहाँ पर चांस था कि यहाँ पर ऑफसाइड का फ्लैग हवा में उठा था। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि ऑफसाइड का फ्लैग ही हवा में उठा था। बबलू सोरेन को यहाँ पर ऑफसाइड करना चाहिए, चांस नहीं था बीएसके कॉलेज के लिए। बबलू पहले ही ऑफसाइड के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, यानी ओपोनेंट टीम को और सभी ओपोनेंट टीम के खिलाड़ियों को पार करके आगे थे। ऑफसाइड ट्रैक का जो लाइन बना था मुझे लगता है उसको वो क्रॉस कर गए थे। अच्छे खेल रहे हैं बीएसके कॉलेज टीम, ये प्रेशर नहीं दिख रहा है उसमें। एक गोल खाने के बाद भी अच्छे लय में, पहले गोल जब तक नहीं मारते हैं तब तक ये प्रेशर रहेगा उसके ऊपर में, और प्रेशर तब हट जाएगा जब ये किस तरह का डाइव था गोलकीपर का। अभी भी बॉल अंदर में, लेकिन इस बार ये खतरा टल गया है, लगता है बॉल चली गई थी गोल लाइन से बाहर। परिमल सोरेन का जरा सा खरोच आई होगी कोहनी में। अजय मस्ता लंबा हवा शॉट, एक को स्विच किया था अजय हंसदा ने। बबलू सोरेन यहाँ पर, बबलू सोरेन और ये बबलू का क्रॉस बहुत बेहतर, डिफेंसिव और अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्लियरेंस से खतरा टलता हुआ बारम एशिया यूनाइटेड क्लब के लिए। थ्रोइंस के साथ यहां पर बॉल पोजीशन रखने का मौका मिलता हुआ बीएसके कॉलेज बरहरवा को, और ये अचीवमेंट गोल हासिल करते हैं बीएसके कॉलेज बरहरवा की तरफ से। ये पहला गोल चाहिए उसको, लेंग को यहां पर बदल रहे हैं और इससे ये रणनीति को बना रहे हैं गोल मारने के लिए बीएसके कॉलेज, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। इंतजार उसको पहले गोल का, थ्रोइन के साथ पोजीशन यहां पर अजय हेमराम का। थ्रोइन हर प्रकार का खेल मिलता है ग्राउंड पासेस स्किल बेहतर करते हुए दोनों टीम्स के प्लेयर्स, और लंबा हवाई पास के ज्यादा देखने को मिलता है। ये तालमेल की आवश्यकता भी इसके कॉलेज को, लेकिन बीच बीच में जहाँ पर यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं इसका खामियाजा तो आप भुगतेंगे जब तक कि इस एक गोल को आप वापस नहीं करते हैं। शॉट बैगर देखिए यहाँ पर सटीकता के साथ यहाँ पर खेलने का आवश्यकता, लेकिन फाउल यहाँ पर मिलता हुआ, ये फाउल किक लेने का मौका मिल गया यहाँ से। कर सकते हैं अब्दुल आए हैं लेने के लिए डिफेंस लाइन से। अब्दुल का ये शॉट साइड के ट्रैक में नहीं, एरिया में लैंडिंग के बॉल प्ले से बाहर दी जाएगी गोल की। शॉट बॉल चलता हुआ फर्स्ट हाफ अभी प्रगति पर, सेकंड हाफ अभी भी बचा हुआ दोनों टीम्स के लिए, और 1-0 का जो लीड है वो अभी तक बरकरार। सफल गौतम সেই সঙ্গে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানীয় বিশিষ্ট অতিথিবর্গ যারা আমাদের মূল মঞ্চে আমন্ত্রিত করেছেন। বারমেশিয়া ইউনাইটেড ক্লাব আমাদের মূল মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। एक गोल है वो अभी तक बढ़त को बरकरार रखने में सफल रहे हैं, और गोल होने नहीं दिया है तो ये अच्छी बात है अपने टीम के लिए, ये एक अच्छा संकेत। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर फॉरेनर जॉनसन को वापस डगआउट में बुलाया जा रहा है, और सब्स्टिट्यूट बेंच से जाने के लिए तैयार नाइकी बहुत अच्छा खेलते हैं, और स्कोर करने के इरादे से यहां पर कोच ने उसको भेजा होगा पीच में। बचे हुए समय में ये संघर्ष करेंगे अपने टीम के ओर से,
मौका है यहाँ पर दूसरा गोल मारने का, लेकिन चुपते हुए यहाँ पर अच्छा मौका था रामदास हेम्ब्रम के पास गोल स्कोर करने का। बहुत क्लोज रेंज में जा चुके थे, लेकिन बहुत अच्छा उसको यहाँ पर मार्क किया गया। अच्छा डिफेंडिंग करते हुए अभी तक जो गोल गलती की वजह से यहाँ पर पीछे इस मुकाबले में बी एस के कॉलेज बरहरवा, और उसके बाद अच्छा डिफेंडिंग किया है अब्दुल, चाहिए भी इसको आयरन गेट की तरफ अगर बने रखते हैं बचे हुए समय तक तो ये संभावना है इस एक गोल को बराबर कर सकते हैं आराम से बी एस के कॉलेज। और ये शॉट डिफ्लेक्ट होता हुआ बी एस के कॉलेज का। थ्रो इन लेने का मौका मिलता हुआ, थ्रो इन के साथ बॉल पोजीशन अपने पास रखने का मौका बी एस के कॉलेज के पास ही, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं लग रहा है, बहुत ही कम समय तक। प्रोजेक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पर दो दो प्रोजेक्टर लगाया गया है ग्राउंड में और दोनों कॉर्नर में अलग अलग छोर में, और चार डाइस कैमरा के लिए वहां से कवरेज किया जा रहा है। पिंचू हराम पिंचू बुखी वर्ल्ड टूर्नामेंट 2024 का इस संस्करण, खास 2024 का इस संस्करण का बहुत ही खास ये टूर्नामेंट, बहुत बड़ा प्राइज मनी। छोटी फाइनल मुकाबले को जीतेगी, 4,50,000 रुपये से उस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। हारने वाले टीम फाइनल में अगर हार भी जाते हैं तो 3,50,000 रुपये के आस, बहुत ज़्यादा प्राइज मनी। तो यहाँ तक अगर सफर बन गया है दोनों टीम का तो ये इस श्रृंखला के शीर्ष के टीम माने जाएंगे, लेकिन ये सपना अपने सवार करके रखा है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी। दूसरे गोल मारने का प्रयास रहेगा 12 में से यूनाइटेड क्लब का भी, वो जान रहे हैं कि एक गोल ज्यादा नहीं है हमारी टीम के लिए। क्रॉस आया था इस बार, लेकिन अच्छा कलेक्शन परिमल सोरेन के द्वारा, बहुत ही शानदार कीपिंग करते हैं। और ये बी एस के कॉलेज बरहरवा टीम के नियमित गोलकीपर नहीं है, जो मैं नियमित गोलकीपर को देखता था बी एस के कॉलेज बरहरवा की ओर से चांद बोल, वो नियमित गोलकीपर बी एस के कॉलेज बरहरवा की तरफ से, लेकिन परिमल सोरेन को इस श्रृंखला में यहाँ पर कीपिंग के लिए लाया गया है, और अच्छा कीपिंग किया है उन्होंने। आज प्लेइंग 11 में समीर मुर्मू यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, माफ कीजिएगा समीर बैसरा आज प्लेइंग 11 में नहीं है, वो रहते तो और मजबूती मिलता यहाँ पर बी एस के कॉलेज बरहरवा, वो एक बहुत बड़ा हथियार है बी एस के कॉलेज का। उसकी टीम को आज कमी खल रही होगी बी एस के कॉलेज टीम को समीर बैसरा का, और धीरे धीरे समाप्त होगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में और भी ये मैच रोमांचक होगा। एक गोल अभी काफी महंगा साबित होता हुआ बी एस के कॉलेज बरहरवा की टीम को, और यही एक गोल इतना भारी पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस गोल को वापस वो कर नहीं पाए। कितना देर के बाद इस गोल को वो वापस कर सकते हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुमान लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, সামনে বাড়ালেন
बहुत ज्यादा देर तक बॉल को यहाँ पर होल्ड करके रख रहे हैं नाइकी मरांडे। ये जॉनसन के बदले में पिच में आए खेलने के लिए उसको उतर आ गया है श्रीकांत सोरेन। था और कुछ नाराजगी जता रहे हैं। चांस था यहाँ पर गोल स्कोर करने का, बहुत ही अच्छा चांस, कॉर्नर किक लेने का मौका मिल गया है, इसका कितना फायदा उठा पाते हैं बीएसके कॉलेज बरहरवा की टीम। लो कॉर्नर, जो उम्मीद था यहाँ स्ट्राइकर से शॉट का, लेकिन रिटर्न एक बार फिर से डाला था डी बॉक्स में, लेकिन क्लियरेंस उतना ही जबरदस्त, फिर से आई है बॉल डी बॉक्स में। बबलू का हेडर यहाँ पर टारगेट में नहीं है, जो हेडर था जितना प्रभावशाली हो रहा था तो उतना नहीं डाल पाए। नाइकी ने वहाँ पर बैक पास किया है, अच्छा तालमेल हो सकता था, लेकिन गोलकीपर लखिंदो टूडे ने बहुत ही उम्दा कीपिंग किया, क्लीन स्वीप रखा है इन्होंने इस मुकाबले में, एक भी गोल तक ये अच्छा कीपिंग किया है और तारीफ करना होगा बारोनेशिया यूनाइटेड क्लब के डिफेंडर्स को, उन्होंने अपना डिफेंसिव ड्यूटी को इतना उम्दा किया है कि फूल करके। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ की समाप्ति तक बी एस के कॉलेज बरहरवा 0 बारोनेशिया यूनाइटेड क्लब। स्कोर लाइन में ज्यादा फसला नहीं है, एक और 0 का आप देख सकते हैं यहाँ जो वीआईपी मंच है। संघर्ष जारी, छोर परिवर्तन हो चुका है दोनों टीम का। दूसरे हाफ में क्या यहाँ पर वापसी गोल होगा, चांस था यहाँ पर दूसरे हाफ में गोल करने का, इशारा हो रहा है कॉर्नर किक का। दूसरे हाफ में ये बहुत जल्दी यहाँ पर कॉर्नर मिलता हुआ यूनाइटेड क्लब को अच्छा चांस बना सकते हैं इस कॉर्नर को, अगर पूरी गोल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2-0 की मजबूती यहाँ पर मिलता हुआ, बहुत बेहतर ये कॉर्नर किक नाप तोल कर लगाया हुआ ये शॉट और हेडर, लेकिन डिफेंसिव हेडर में इतना ही शानदार, लेकिन बॉल यहाँ पर पोस्ट के ऊपर से जाती हुई जो खतरा बना था, ये खतरा टलता हुआ अपने डिफेंस लाइन के खिलाड़ियों से यहाँ पर संतुष्ट नजर नहीं आए परिमल सोरेन। तो एक गोल है, ये ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है यहाँ से और धैर्य पूर्वक खेलने की आवश्यकता बी एस के कॉलेज टीम के खिलाड़ियों को। चांद लगा देने वाली ये टूर्नामेंट जहाँ आज है आखिरी दिन, यानी कि अंतिम दिन का अंतिम पड़ाव चलता हुआ, पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप सभी देख पा रहे हैं। एक तरफ व्हाइट जर्सी में बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो कि घंटों तक इस मैच का आनंद मजा ले रहे हैं, और कई ऐसे हैं जिसको बैठने की जगह भी मिल गया है। हजारों ऑडियंस इस मुकाबले में अपनी निगाह को टिका कर रखे हैं, जो वो सच्चे वॉल प्रेमी हैं वो बने हुए, लेकिन जब आप बैठिएगा दर्शक गृह में तो पता चलेगा कि वहाँ गोल की ही बात होती है, डिमांड रहता है ऑडियंस का अक्सर यहाँ पर 5-5, 10-10 और मिनट में गोल देखने का, तभी वो ज्यादा और उत्सुकता के साथ मैच में मजा लेते हैं। जो यहाँ का वीआईपी मंच है वो देखते ही बनता है, बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, और यहाँ देख सकते हैं डाइस में कैमरा में, और यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन, देखिए
let's go. और ये देखिए, अब दो शून्य की जारी रखा। यहाँ पर जर्सी नंबर 14 की अगर बात करें, छोटी हुए हैं, हम चाहेंगे कि बाबूराम जल्द से जल्द फिर मैच में वापसी करें, जल्द से जल्द फिर मैच में आए। इस मुकाबले में उभरता हुआ सितारा बनकर आए हैं। देखिए दूसरी बार काउंटर अटैक की तरफ बरारवा की टीम, बहुत ही सफल यहाँ पर मौका है, निजी जोन में बहुत जरूर है, आखिर वक्त पर कितनी दूर तक जा पाएगी, लेकिन बेहतरीन क्लियरेंस फिर से एक और भाई यूसुफ। एक गोल था तो प्रेशर कम था बीएसके कॉलेज के ऊपर में, लेकिन अब दो गोल हो गया है तो प्रेशर और बर्तावा बढ़त को दोगुनी कर दी है बारामसिया यूनाइटेड क्लब ने। यूसुफ यहां पर दूसरा गोल मार दिया उन्होंने और बेहतर कप्तान यूसुफ का, यूसुफ के द्वारा इतना शानदार परफॉर्म उन्होंने किया है आज। पेनल्टी में पहला गोल, उसके बाद दूसरा गोल दूसरे हाफ में उन्होंने मार दिया है। एक गोल चाहिए था बराबरी करने के लिए और प्रेशर को बराबर, यानी प्रेशर को हटाने से हटाने के लिए मात्र एक गोल की दरकार था बीएसके कॉलेज को, लेकिन अब एक नहीं दो गोल की आवश्यकता उनको। परिमल सोरेन अच्छा कीपिंग किया है, लेकिन करे तो आखिर क्या करे, उसके ऊपर में भी प्रेशर आता हुआ। बहुत ही अच्छा कीपिंग तो जरूर किया उन्होंने, लेकिन तो यूसुफ आज भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दो गोल मार चुके हैं इन्होंने अपने टीम की तरफ से। कमाल का कप्तानी इन्होंने किया है। प्रेशर यहां पर बढ़ता हुआ धीरे धीरे बीएसके कॉलेज बरहरवा के ऊपर में, और निश्चित ही लग रहा है समीर बेसरा की कमी साफ झलक रही है बीएसके कॉलेज बरहरवा के टीम में। कल के इंजरी से वो जूझ रहे हैं और आज इस टीम में नहीं है। पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा उनका प्लेइंग 11 में, काश वो होते तो ये बहुत बेहतर स्थिति होता इस वक्त बीएसके कॉलेज बरहरवा का। दबाव में आ रही है धीरे धीरे अब बीएसके कॉलेज बरहरवा की टीम के ऊपर में। अच्छी टीम है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया था मुकाबले में बरहरवा झारखंड। देखना होगा, लोग काफी एक्साइटेड हैं, यहाँ के जो ऑडियंस हैं वो इस मैच को बीएसके कॉलेज बरहरवा और बारामसिया यूनाइटेड क्लब के बीच का नहीं देखते हैं, ये झारखंड और बंगाल के बीच का मैच को यहाँ पर वो तुलना कर रहे हैं। काफी एक्साइटेड लोग आज दिख रहे हैं इस मुकाबले को, बिल्कुल कई ऐसे ऑडियंस है। ढोल नगाड़ा मांदर की धुन के साथ इस मुकाबले का यहाँ पर आनंद लेते हुए दो ऐसे डाइस यहाँ पर स्पेशल बनाया गया है उन ऑडियंस के लिए जो गाजा बाजा के साथ आए हैं। सभी खिलाड़ी मिलकर एक अच्छा प्रदर्शन, और यहाँ देखिए एक और बेहतरीन जगह पर बॉल में जो है डाउन द लेफ्ट, क्या करेंगे जैसे नंबर 9, लेकिन आखिरकार एक और बहुत ही जबरदस्ती है फुटबॉल मैच चलता हुआ, लेकिन 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई है इस मुकाबले में यूनाइटेड क्लब। बीएसके कॉलेज को चाहिए यहाँ पर एक गोल, फिलहाल यहाँ जल्दी हो जाता है एक गोल तो एक दो की वापसी वो कर लेंगे, लेकिन कॉर्नर किक लेने का मौका मिल गया है बारामसिया क्लब यूनाइटेड को, यूनाइटेड क्लब को जो चांस था ये इस बार का चांस बेकार होता हुआ बारामसिया यूनाइटेड क्लब का। गोलकीपर आज ज्यादा यहाँ पर परेशान नजर नहीं आए हैं क्योंकि उस तरह का कोई भी पावरफुल शॉट्स नहीं लगा पाए हैं बीएसके कॉलेज बरहरवा टीम्स के फॉरवर्डर्स का, आज सामान्य परफॉर्म रहा है सेमीफाइनल के मैच में जो पिछले उन्होंने दो मैच खेले
आखिरी वक्त में क्षमता जरूर रहता है टीम का। अजय हंसदा के लिए यहाँ पर यूसुफ का चैलेंज आता हुआ, राउंड टैकल और एक फाउल किक लेने का मौका मिलता हुआ बीएस के कुल दर हरवा को। पहले गोल को यहां पर तलाश रहे हैं, एक तरफ रहेंगे बीरभूम जिला परिषद, दूसरी तरफ एसएसबी तालबंद, दोनों टीमों के ये शॉट लेकिन ज्यादा प्रभावित नहीं हुए इस फाउल से। डिफ्लेक्शन के बाद बॉल वापस डिफेंसिव हेडर, लेकिन सही कांटेक्ट नहीं, और आज सही से ये कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं बीएस के कॉलेज बरहवा के अग्रिम पंक्ति, आराम से कीपिंग करते हुए नजर आए लखिंदो टुडू पूरे मैच में। यूसुफ ये बहुत जबरदस्त आज खेले हैं अपने टीम की तरफ से, कमाल का फुटबॉल और कमाल का कप्तानी इन्होंने किया है। यही वजह है कि 2-0 से लीड कर रही है इस मुकाबले में। यूसुफ यूसुफ और सिल्वा का एक बेहतरीन तालमेल, फर्स्ट गोल का इंतजार बीएस के कॉलेज बरहवा टीम मैनेजमेंट को, लेकिन अभी तक यहां पर जो अपने उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। पहले गोल को अभी भी तलाश रहे हैं, लेकिन क्लीन चिट रखा है अभी तक लखिंदो टुडू ने, एक भी गोल नहीं होने दिया है। लेकिन आज जिस तरह से सिल्वा ने अपने टीम के ओर से इतना अच्छा डिफेंडिंग किया है, इस दीवार को अभी तक भेद नहीं पाए हैं बीएसके कॉलेज बरहवा टीम के फॉरवर्डर्स। 2-0 की बढ़त अभी भी बरकरार, और आगे यहां पर संघर्ष करते हुए पहले गोल के लिए बीएसके कॉलेज बरहवा। और पिछले साल की विजेता टीम और उसका रथ एक बार फिर से चल पड़ा है फाइनल की ओर। पहला सेमीफाइनल में यहां पर जिस तरह से अभी तक 2-0 की बढ़त अभी भी बरकरार, बारामेसिया यूनाइटेड क्लब का और उसके टीम मैनेजमेंट पूरी तरह से खुश होंगे, बेहद खुश होंगे अपने टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन से। और धीरे धीरे यहां पर जो जीत का यहां पर खुशबू है वो आने लगेगा। अगर कोई गोल अगले और 5 से 7 मिनट तक नहीं आता है बीएसके कॉलेज की तरफ से तो मुश्किल बढ़ जाएगा। अच्छा गति के साथ यहां पर अच्छा स्किल किया, और यूसुफ तो कमाल कर दिया है, इतना जबरदस्त कप्तानी यहां पर, दो गोल यहां पर दाग दिया उन्होंने बीएसके कॉलेज बरहवा के ऊपर में। पेनल्टी में शानदार शॉट उन्होंने मारा और खाता वहीं से खुला बारामेसिया क्लब, बारामेसिया यूनाइटेड क्लब का। ये लंबा हवाई शॉट, इस बार डिफेंसिव हेडर बहुत ही जबरदस्त डिफेंस लाइन से नाइकी, यहाँ पर गोल स्कोर करने के लिए ये विदेशी मुल्क के खिलाड़ी के बदले में इसको उतारा गया है पिच में, लेकिन ये भी ज्यादा योगदान नहीं कर पाए हैं। और आवश्यकता यहाँ पर बी एस के कॉलेज बरहवा को दबाव से उभरने का एक ही मात्र उपाय उसके पास, एक ही मात्र फॉर्मूला, गोल स्कोर करना, सिवाय उसके कुछ नहीं। और यहाँ पर तीसरी गोल की तरफ यहाँ पर मूव बनता हुआ बारामेसिया यूनाइटेड क्लब की ओर से, चांस था यहाँ पर इस बार, अच्छा चांस था, खतरा आसानी से टालने में सफल इस बार रहे बीएसके कॉलेज बरहवा। सिल्वा आज इतना अच्छा ये क्लियरेंस निकाला है, अच्छा डिफेंडिंग किया है, बहुत ही बेहतर किया अपने टीम की तरफ से, और जिसके लिए उसको आज रखा गया है डिफेंस लाइन में, उन्होंने बतौर डिफेंडिंग
और बतौर ये खिलाड़ी माने जाएंगे, बतौर डिफेंडर अपने टीम की तरफ से। बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर ले लिया बीएसके कॉलेज बरहरवा ने, और जिसके लिए बीएसके कॉलेज बरहरवा जाने जाते हैं, बीएसके कॉलेज बरहरवा की तरफ से भी अच्छे अच्छे गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन आज यहाँ पर उनका जो शॉट है वह टारगेट में नहीं रहा। जितना भी अटेम्प्ट्स रहे उसके टारगेट से ज़्यादा बाहर, और जो भी टारगेट में रहा तो वो धीमा गति से लगाया हुआ शॉट, और उससे प्रभावित नहीं हुए जरा सा भी। लखिंदर टुडू आसानी से कीपिंग करते हुए नजर आए। लखिंदर टुडू मौका बनता हुआ यहां पर और एक बार फिर तीसरे गोल करने के लिए, और इसी के साथ ये तीसरा गोल, शानदार गोल यहां पर आता हुआ। और यूसुफ आज गोलों की झड़ियां बरसा रहे हैं अपने टीम की तरफ से, और हैट्रिक मार दिया है इन्होंने, तीन गोल इन्होंने दाग दिए बीएसके कॉलेज बरहरवा टीम के ऊपर में। और जिस तरह से उम्मीद को इन्होंने और बढ़ा दिया है फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, मत बात कीजिए इसका, जितना ज़्यादा इन्होंने बतौर कप्तानी किया है उतना ही ज़्यादा इन्होंने गोल भी मारा है, हैट्रिक गोल। और बीएसके कॉलेज बरहरवा के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने। ज्यादा समय बच के नहीं रह गया इस मुकाबले में, बहुत ही कम समय है, और इतना कम समय में क्या तीन तीन गोल को वापस करना ये संभव हो पाएगा? ये लक्ष्य जो दिख रहा है बीएसके कॉलेज बरहरवा के लिए असंभव सा ये लक्ष्य दिख रहा है। थ्रो इन के साथ बॉल पोजीशन बारामसिया यूनाइटेड क्लब के पास, बारो मेसिया यूनाइटेड क्लब बेहद खुश इस वक्त, उसके पूरी टीम मैनेजमेंट खुश होंगे जिस तरह से यहां पर तीन तीन गोल से आगे 3-0 की लीड बनाई हुई है। और पिछले साल जिस तरह से ये टीम पिछले साल की विजेता टीम है, तो इस साल भी फाइनल में मान के चलिए ये पहुंच ही जाएगी। 3 गोल एक तरफा ये मुकाबला, बारामसिया यूनाइटेड के क्लब की तरफ से ही अकेले टीम के कैप्टन यूसुफ ने 3 गोल मार दिए। स्कोर लाइन में काफी बड़ा फासला यहां पर दिखता हुआ, बीएसके कॉलेज बरहरवा 0, बारामसिया यूनाइटेड क्लब 3, तो 3-0 ये मामूली बढ़त नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बढ़त बरकरार रखने में अभी तक सफल रहे हैं। और जिस कॉमन तक हम बात कर रहे थे कि एक समान चीज़ यहाँ पर इस मुकाबले में दोनों टीम्स के तरफ से दो दो विदेशी खिलाड़ी, लेकिन कमाल यहाँ पर किया है बारामसिया यूनाइटेड क्लब टीम के कैप्टन यूसुफ ने, टीम मैनेजमेंट ने इसको कप्तानी का भार दिया और बखूबी निभाया है इन्होंने। और काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बी एस के कॉलेज टीम के खिलाड़ियों के बीच में, यहाँ एक भी गोल नहीं मार पाए हैं ये सेमीफाइनल में। स्लाइडिंग टैकल यहाँ पर, अजय हंसदा अपने हाथ से बॉल को निकालेंगे। 3 गोल है तो ये आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ इस वक्त बारामसिया यूनाइटेड क्लब के खिलाड़ियों का, आसान नहीं होगा 3-3 गोल को वापस करना। सेमीफाइनल का मैच और ये कितना बड़ा मैच आप समझ सकते हैं, फाइनल से इस मुकाबले को आप कंपेयर कीजिए, क्योंकि ये यहाँ जीतेंगे तभी आप फाइनल में पहुंचेंगे। एक पायदान अगर आप फिसल जाते हैं तो बहुत नीचे, यानी सिर्फ कॉन्सोलेशन प्राइज मनी आपको मिलता है, फर्स्ट प्राइज मनी और सेकंड प्राइज मनी के लिए कम से कम सेमीफाइनल का मैच को जीतना होता है, और बहुत बड़ी रकम। पिल्चू हराम पिल्चू बूढ़ी फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का इस संस्करण का आपको बता दूं, फर्स्ट प्राइज मनी 4,50,000 रुपये का कैश, अगर हार भी जाते हैं फाइनल में तो 3,50,000 रुपये का कैश, ये बहुत बड़ी रकम है। तो ज़्यादा समय नहीं रह गया, बहुत ही कम समय ये पहला सेमीफाइनल मैच में, और ऐसा लग रहा है कभी कभी सिर्फ इस मुकाबले में औपचारिकता ही शेष, और ये मैच बारामसिया यूनाइटेड क्लब के नाम ये भी कह दीजिए, 1 या 2 गोल रहता बढ़त में बारामसिया यूनाइटेड क्लब के पास तो सिर्फ आप बोल सकते थे कि ये बराबरी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 3-3
गोल की बढ़त, ये बहुत ज्यादा फासला मुझे दिखाई दे रहा है स्कोर लाइन में। एक भी गोल नहीं मार पाए बीएसके कॉलेज बरहरवा टीम के प्लेयर्स। आज उनके अग्रिम पंक्ति आज बिल्कुल जो बारमसिया यूनाइटेड क्लब का डिफेंस लाइन को भेद ही नहीं पाए उसको काश आज बीट करके एक भी गोल करते तो यहाँ उम्मीद था यहाँ पर फाइनल की तरफ जाने का। काफी सुस्ती के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पर देखना होगा बचे हुए समय में। और लेकिन जो चांस था इस बार चौथे गोल मारने का, ये चांस इस बार नहीं बना। बहुत ही अटैकिंग और एक तरफा ये पहला सेमीफाइनल मैच रहा। दोनों तरफ से अगर गोल होता तो और मजा आता इस मुकाबले में, उठक पटक का नजारा देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं, एक तरफ से ही यहाँ पर गोल होता और मात्र यहाँ पर ये तीनों के तीनों गोल एक ही प्लेयर के नाम, यूसुफ के नाम, टीम कैप्टन के नाम रहा। ये तीनों गोल कम समय बच के रह गया है, इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित है कि पहला सेमीफाइनल मैच अपने नाम यहाँ पर कर रही है धीरे धीरे बारामसिया यूनाइटेड क्लब, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन अच्छा प्रयास किया बीएसके कॉलेज बरहरवा टीम के खिलाड़ियों ने यहाँ पर अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट, लेकिन दुर्भाग्य है बीएसके कॉलेज बरहरवा टीम की तरफ से आज एक भी गोल नेट में नहीं लगा। इसका जो शॉट था वो होना चाहिए था, एक शॉट या दो शॉट ऑन टारगेट और वो भी प्रभावशाली, तभी यहाँ पर मंझे हुए गोलकीपर लखिंदर टुडू को आप भेज पाते। देखना होगा तो ज्यादा समय नहीं है इस मुकाबले में, कम समय क्लियरेंस यहां पर लखिंदर टुडू का। लखिंदर टुडू बॉल पोजीशन यहां पर अच्छा पास निकाला बाटा हफ्ता, बाटा हंसता यहाँ पर ये छाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं साथ में उसको अजय टुडू भी, बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया आज बाटा, ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए इसलिए अपने ओपोनेंट को नाइकी यहाँ पर पासिंग ऑप्शन को तलाश रहे थे, अच्छा पास निकाला। और ऐसे समय में एक गोल अगर वापस आ जाता है तो ये अच्छी बात होगी बीएसके कॉलेज बरहरवा के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है आज शॉट नहीं लगा, जो शॉट का आवश्यकता था आज बीएसके कॉलेज को वो शॉट नहीं लगा। चारा ही नहीं चला यहाँ पर फॉरवर्ड लाइन का, अगर वो गोल मार पाए थ्रो इन यहाँ पर लेते हुए पटवारी सोरेन। संघर्ष अभी भी जारी बीएसके कॉलेज के ओर से बचे हुए समय में, काश यहाँ पर उनके टीम के खिलाड़ी एक गोल मार पाते और इस मुकाबले में एक तीन का वो वापसी करते। ये भी अभी तक हुआ नहीं है, प्लेस बहुत ज्यादा ग्राउंड में, जितना आप प्लेस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शक जिस तरह से ठसाम ठस बैठे हैं, कहीं कहीं गैप देखने को मिलेगा और जहाँ बैठने का जगह नहीं है वही नहीं बैठे हैं, नहीं तो हर जगह। और अंतिम पड़ाव में ये मुकाबला आ चुका है, अब औपचारिकता से 3-0 की बढ़त बारामसिया यूनाइटेड क्लब के पास, और वो लगता है कि ये तीन गोल मार के भी बारामसिया यूनाइटेड क्लब वो ज्यादा नहीं समझते हैं इस बढ़त को भी, ऐसा ना हो जाए कि और बचे हुए समय में और एक गोल यहाँ पर वो मार दे और पूरे पूरे चार गोल से इस मुकाबले को अपने नाम कर दे। लेकिन अभी भी यहाँ पर उम्मीद भी है कॉलेज बरहरवा टीम के ओर से वापसी करने का, अच्छा मूव एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहा है। यूसुफ ने अच्छा पास निकाला है और यहां पर ये चांस और इसी के साथ ये गोल, बहुत ही बेहतरीन असिस्ट यहां पर करते हुए
और जिसका बात कर रहे थे हम आखिरकार वही हुआ। और यहाँ पर और एक गोल, और मिस्त्री हेमराम ने शानदार गोल कर दिया। यहाँ पर असिस्ट किया यहाँ पर यूसुफ ने, और शानदार गोल। और जिसका हम बात कर रहे थे, तीन नहीं है और बचे उस समय में, और एक गोल ना हो जाए तो वही हुआ यहाँ पर। तो 4-0 की यहाँ पर बहुत पूर्ण बढ़त, औपचारिकता ही से इस मुकाबले में और कुछ नहीं, 4-0 से इस मुकाबले को अपने नाम किया। माफ कीजिएगा, नाम अभी तक किया नहीं है, अभी बाकी है और कुछ कुछ समय है, लेकिन औपचारिकता ही से नियम को अब पूरा किया जाएगा। और पिछले साल की विजेता टीम एक बार फिर से फाइनल में यहाँ पर पहुंच गई है। और सिर्फ बचे हुए समय में अब मैच को खेला जाएगा। 4-4 गोल से यहाँ पर आगे, जिस तरह से यूसुफ ने यहाँ पर 3 गोल मार करके हैट्रिक जड़ा उन्होंने, और मिस्त्री हेमराम को एक गोल में असिस्ट किया। तो आज कप्तानी नहीं, ये बतौर कप्तानी आज बहुत ही बेहतरीन कप्तानी किया है। पिछले साल का उस रिकॉर्ड को बरकरार रखने में सफल। बारामसिया यूनाइटेड क्लब बहुत बड़ी मुश्किल, और एक भी गोल अभी तक मार नहीं पाए हैं, लेकिन अभी भी यहां पर टीम मैनेजमेंट को इंतजार होगा एक गोल काश आ जाए। लाइसन टूडू के नेतृत्व में बीएसके कॉलेज की टीम के ओर से ये निराशाजनक प्रदर्शन रहा सेमीफाइनल के मैच में। समीर बेसरा चोटिल के बाद वो ग्राउंड में नहीं आ पाए पहला सेमीफाइनल मैच में अपनी टीम की तरफ से, काश वो होते तो यहाँ पर उसकी कमी निश्चित तौर पर झलक रही है बीएसके कॉलेज बारहवा की टीम में। बहुत कम समय बच के रह गया है, 4-0 के महत्वपूर्ण लीड के साथ इस मुकाबले में यहाँ पर यह मैच जारी अंतिम पड़ाव की तरफ। और एक खिलाड़ी यहाँ पर गिर पड़े हैं इस वक्त, खेल को रोक दिया गया है। निराशाजनक प्रदर्शन रहा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो रहा है बचे हुए समय में। और लग रहा है कि यहाँ पर स्वस्थ होके वापस ये जल्दी उठने वाले हैं। ये एनर्जी इसलिए इसको ज्यादा होगा क्योंकि ऑल सफेद में जिस टीम को आप देख पा रहे हैं, ऑल यानी सफेद जर्सी और सफेद शॉर्ट्स में, ये इसलिए खुश होंगे और ज्यादा एनर्जी इसके पास इसलिए होगा क्योंकि 4 गोल से इस मुकाबले में बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत, और विजय रथ जारी बारामसिया यूनाइटेड क्लब का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दर्शकों की संख्या में इजाफा लगातार और पता हुआ, जहाँ कैमरा लगाया गया उसके पीछे साइड में एक पहाड़ है और पहाड़ में बैठने का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है, कैमरा में उसको नहीं, जो क्राउड है उसके वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको दूसरे मैच में वो दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से वहाँ पर जो दर्शक बैठे हैं, वहाँ पर हजारों दर्शक बैठे हैं, अपना बैलेंस को वो बनाए हुए हैं। जिस साइड को अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेडीज रिजर्वेशन एरिया है, सिर्फ महिलाओं के लिए तो आरक्षित किया गया है। और बात कर रहे थे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर नियम को पूरा किया जा रहा है। और ये छोटा फॉर्मेट था नहीं, यानी बहुत ज्यादा स्टेमिना लगा दोनों टीम के खिलाड़ियों को। बीएसके कॉलेज बरहरवा वर्सेस बारामसिया यूनाइटेड क्लब के बीच में स्कोर लाइन, बारामसिया यूनाइटेड क्लब 4, बीएसके कॉलेज 0। 4-0 के ये बहुत बड़ा बढ़त के साथ इस मुकाबले में जवाब में बीएसके कॉलेज बरहरवा का एक भी गोल आया नहीं। ये शॉट दूरी से लिया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या गोल होने से बच गए। यहाँ पर 1-4 का ये स्कोर लाइन हो सकता था अंतिम समय में, लेकिन ये भी लक ने साथ नहीं दिया। संघर्ष करेंगे बचे हुए समय में,
लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से ही अब इस श्रृंखला से यहाँ पर विकल्प खत्म हो जाएगा। क्लोज रेंज में जाने का प्रयास, लेकिन शॉट लगातार ब्लॉक होता हुआ बीएसके कॉलेज का। आज डिफेंस लाइन के खिलाड़ियों को दाग देना होगा, इतना अच्छा डिफेंसिव ड्यूटी किया है इन्होंने, मत बोलिए। यानी डिफेंस लाइन का उस दीवार को आज भेद ही नहीं पाए बीएसके कॉलेज बरहवा टीम के स्ट्राइकर। यहाँ पर देखना होगा, कम समय बच गया है और बहुत जल्दी यहाँ पर की कप माफ कीजिएगा इस मैच का जो फुल टाइम सल है वो कभी भी बच सकता है, क्योंकि समय कम बच के रह गया। मात्र यहाँ से महज मुझे लगता है 2 से 3 मिनट का वक्त और बच के रह गया है। एक बड़ा अचीवमेंट ये होगा कि वापसी गोल नहीं हुआ यहाँ पर, 4 गोल में से एक भी गोल को वापस नहीं लिया बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब ने। ये खासियत आज उनके टीम में, जो आज टीम बना हुआ काफी जबरदस्त और खिलाड़ियों के बीच में हर प्रकार का स्किल, या बारह मेसिया यूनाइटेड क्लब की टीम के खिलाड़ियों ने गति है उसमें, स्किल के साथ साथ आज ऑन टारगेट शॉट्स लगाए। यूसुफ ने 3 गोल मारे। यहाँ पर चांस था गोल स्कोर करने का अंतिम समय में, तो काफी कम वक्त रह गया है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो नजारा है वो देखते ही बनता है, चारों दिशा में रंग बिरंगे झंडे लगे हैं और हल्की हवा से जब वो लहर रहे होते हैं तो और ही यहाँ का दृश्य और सुंदर दिखने लगता है। बहुत ही कम समय बचे हुए समय में देखना है किस टीम की तरफ से यहाँ पर गोल आता है। यहाँ यूनाइटेड क्लब की तरफ से गोल आएगा या फिर बीएसके कॉलेज बरहरवा की तरफ से गोल आएगा। यहाँ गोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये कुछ अलग मुकाबला देखने को मिलेगा आपको, ग्राउंड को बड़ा करना चाहते हैं वहां पर। ये देखिए एक और बार फिर से मिस्त्री वहां से फिर सामने की तरफ पास देने का प्रयास, और फिर से मिस्त्री जाने का आगे की तरफ गति के साथ बढ़ रहे हैं। यहां पर अपने पास रखा है बॉल, मौका जरूर है मिस्त्री के पास, एक सुनहरा मौका गोल करने का, बहुत वक्त है उनके पास और वक्त के साथ किया है एक और गोल। पहला गोल सिल्वा, दूसरा गोल यूसुफ, तीसरा गोल बाबूराम, चौथा गोल मिस्त्री एंड पांचवा गोल राजा हेमरम।